केपी कॉलेज आहूर की यूट्यूब क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोरोना बहुत स्वागत करता हूं। ये प्रतियोगिता का दौर है और इस दौर में सामान्य हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इसके लिए हमने एक आइडिया निकाला है, कुछ ऐसे विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को लेकर के आपको प्रेजेंट करवाया जाए ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके, आप समझ सकें कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो मैं भरत कोरोना हाजिर हूँ आपके साथ में ऐसे प्रश्नों को लेकर के। आज संज्ञा प्रकरण से प्रयास किया है पहली बार कि इन प्रश्नों को आपके सामने जाहिर करूं। तो एक प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, किसका? जातिवाचक संज्ञा का। तो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले अपना ये फोकस रखना है कि एक दो तीन, इन तीन विकल्पों को काटते हुए चलना या दो को काटते हुए चलना, तो अपने पीछे अपने पास में लास्ट में दो ही विकल्प रहेंगे और उसको आप आसानी से हल कर पाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, राम है, क्या राम जातिवाचक संज्ञा है? तो राम एक व्यक्ति का नाम है, राम जब व्यक्ति का नाम है तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, राम जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्योंकि आपकी परिभाषा में पढ़ा था कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की जो स्थान आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और व्यक्ति के नाम जिसमें आ जाएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो ये जातिवाचक का हिस्सा है ही नहीं, सीधी सी बात है। आगे है मोहन, तो प्यारे विद्यार्थियों मोहन है वो भी राम की तरह एक नाम है, इसलिए ये भी जातिवाचक का हिस्सा नहीं है। अगला है रहीम, जो रहीम भी जातिवाचक का हिस्सा नहीं है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास में अंत में जो विकल्प आए हैं वो है जामुन। ठीक है, इसको इस तरह से तो करना चाहिए प्रश्न को, अपने पास में विकल्प कौन सा रहा है? जामुन। अब हम देखते हैं कि सच में इसका उत्तर जामुन होता है अथवा नहीं। ठीक है, छोड़िए, इसका उत्तर जामुन ही है, ये निकल गया उत्तर जामुन। इसका उत्तर क्या मिल गया अपने को? जामुन। ठीक है, तो जामुन है वो जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारे समूह का नाम है, इसलिए जामुन को जातिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नया नया प्रयास है, थोड़ा देर से समझ में आएगा, पर देर है दुरुस्त नहीं, आएगा सही। प्रश्न है कोमलता में संज्ञा है, इस तरह के प्रश्न पटवार 2015 में आ चुके हैं, कोमलता में संज्ञा है, तो कोमलता में कौन सी संज्ञा है बताना है। सीधे हम उत्तर पे चलते हैं, इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर है भाववाचक। अब भाववाचक क्यों है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर भाववाचक क्यों है। देखो, जातिवाचक का मतलब होता है पूरे ग्रुप या पूरे समूह को बोध करना, पूरे जाति को बोध करना, तो कोमलता से किसी जाति या किसी ग्रुप का बोध नहीं हो रहा, कोमलता से किसी भी जाति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए कोमलता जातिवाचक में नहीं आएगी। अगला जो विकल्प है भाववाचक को अगर छोड़ दें और स्पर्शवाचक में चले, तो संज्ञा के अंतर्गत स्पर्शवाचक नाम की कोई संज्ञा नहीं होती है, ये विकल्प सीधे सीधे ही कट जाएगा। अब हम बात करें व्यक्तिवाचक की, तो व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा क्योंकि व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के नाम होते हैं मेरे दोस्तों, किसके नाम होते हैं? व्यक्तियों के नाम, तो इसके अंतर्गत ये भी विकल्प नहीं आएगा। बिल्कुल, जब ये विकल्प नहीं आएगा, ये भी विकल्प नहीं आएगा, ये भी विकल्प नहीं आएगा, तो अपने पास में रह क्या गया? भाववाचक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाचक। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कोमलता के अंतर्गत जो संज्ञा है मेरे दोस्तों वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? तो गाय, पर्वत, पंखा या हिमालय। तो सीधे बात को देखें तो ऐसा कोई यूनिक नाम जिसके जैसा, भूतो न भविष्यति, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो दोस्तों इसका उत्तर सीधी सी बात है कि इसका हिमालय है। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए लेके चलते हैं शो आंसर पे और इसका उत्तर मिल गया आपको हिमालय। अब हिमालय ही क्यों है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं इस ओर। दोस्तों गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी है?
जातिवाचक, क्योंकि गाय किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, गाय है एक समूह का नाम है, बहुत सारी गायें होती हैं। पर यहां पर अगर कपिला आ जाता या कामधेनु आ जाता, कौन सा आ जाता मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहां पे कामधेनु आ जाता तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, पर केवल गाय आया है इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे चलते हैं पर्वत की ओर। पर्वत तो दुनिया में बहुत सारे पर्वत हैं, यूं तो है नहीं कि भाई एक ही है, है? कि खोबी रो बाकर, कोरोना रो बाकर, बाला रो बाकर, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही, ऐसा तो है ही नहीं। सब जगह पर्वत हैं, काफी जगह पर्वत हैं, हर और पर्वत हैं, इसलिए पर्वत को हम किसके अंतर्गत डालेंगे, जातिवाचक में। पर यहां पर किसी पर्वत का अगर स्पेशल नाम आ गया होता तो हम उसको जातिवाचक नहीं है तो हम उसको व्यक्तिवाचक में डाल देते। किस में डाल देते दोस्तों, जाति व्यक्तिवाचक में। पर ये तो जातिवाचक हैं, ये भी जातिवाचक हैं। और पंखा, पंखा बहुत सारे होते हैं, ये कंपनी 1,00,000 पंखे एक साथ तैयार कर सकती है, इतनी कैपेबिलिटी उसमें होती है, तो पंखा भी किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। और प्रश्न क्या है, जातिवाचक नहीं है, इसका मतलब ये जो हिमालय है ये जातिवाचक नहीं है। और दोस्तों हिमालय किसके अंतर्गत आ जाएगा, हिमालय आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आ गई होगी बात समझ में, उम्मीद है मुझे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है साहब, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है, गुलाब अच्छा लड़का है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो सीधे प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब क्यों है इसका जवाब देते हैं आपको। ठीक है साहब, गुलाब अच्छा लड़का है, प्रश्न यहां पे है, गुलाब नाम का एक लड़का है, गुलाब नाम का कौन है, लड़का। तो जब लड़के का नाम आ गया, उसका नाम गुलाब है, तो सीधी सी बात है किसी का पर्सनल नाम आ गया तो वो जातिवाचक तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब अगले विकल्प के रूप में व्यक्तिवाचक, तो जब जिसका नाम लड़के का गुलाब है तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक है। आगे है पुरुषवाचक संज्ञा, तो ये ऐसी होती ही नहीं है। और रही बात भाववाचक की, तो गुलाब में किसी प्रकार का कोई भाव है ही नहीं, तो उचित विकल्प आपका हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि गुलाब व्यक्ति का नाम है। अगर यही प्रश्न अगर इस प्रकार से बनता, गुलाब अच्छा लड़का, इसको भी मार्क कर रखा, इसको भी मार्क, तो यहां पे दोस्तों हो जाता व्यक्तिवाचक पहले में और दूसरे में हो जाता जातिवाचक, क्योंकि लड़का जो संज्ञा है वो किसके अंतर्गत आती है, लड़का जो संज्ञा है वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं होता, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। देखो गुलाब को मार्क कर रखा है, तो गुलाब में कौन सी संज्ञा है देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं इसका उत्तर कि इसका जातिवाचक होगा, क्यों होगा, क्योंकि वहां पे जो गुलाब था वो एक लड़के का नाम था, और पर यहां पर दोस्तों गुलाब है वो फूल है, गुलाब की किस्म का नाम नहीं है, केवल गुलाब एक जाति का नाम है, क्योंकि गुलाब नामक कोई फूल होता है ना, गुलाब के फूल होते हैं जनरली, आपके काम आते होंगे, फरवरी में आएंगे अभी थोड़े दिनों में। ठीक है, तो गुलाब है वो एक गुलाब फूल है। ठीक है, और गुलाब फूल होने के कारण, जैसे अगर चेती आ गया होता नाम, चेती या दशमक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, कौन सी हो जाती, व्यक्तिवाचक। पर यहां पर स्पेशल नाम न हो करके पूरे ग्रुप का नाम बता दिया कि गुलाब, गुलाब के फूल, तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी मेरे दोस्तों। यहां पर न तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और उत्तमवाचक नाम की संज्ञा होती ही नहीं है। और रही बात भाववाचक, तो इसमें किसी भी प्रकार का भाव नहीं है, गुलाब में तो क्या है, एक जाति का नाम है, एक समूह का नाम है, एक ग्रुप का नाम है, इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुरेश ने कहा मनोज अब बुड्ढा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है,
प्रश्न को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि वाक्य में भाववाचक संज्ञा कहाँ पे है, कौन सी भाववाचक, जहाँ पे भाव का पता चले। तो हम देखते हैं कि इसमें मनोज तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा नहीं, अब भी नहीं होगा, और सुरेश भी किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, जब तीन विकल्प आपके हाथ से कट गए हैं, विकल्प पीछे क्या रहे हैं, बुड्ढा, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बुड्ढा। क्योंकि भाववाचक संज्ञा का पता करना है हमें, न तो व्यक्तिवाचक का करना है, न ही यहाँ पर जातिवाचक का करना है, नहीं तो व्यक्तिवाचक का करना है और न ही यहाँ पे जातिवाचक का करना है। हमें किसका पता करना है, केवल केवल और केवल हमें पता करना है भाववाचक का। तो अपने जो भाववाचक संज्ञा है वो मिल जाएगी बुड्ढा, और इसका उत्तर भी अगर सो कर दिया जाए तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा बुड्ढा। बिल्कुल उत्तर सही मिला इसका। आगे की ओर चलते हैं। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रश्न बीएसटीसी में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बीएसटीसी प्री के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण, बीएसटीसी प्री के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है कि पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सो आंसर अगर हम करें तो इसका उत्तर मिल जाएगा हुआ क्या है, व्यक्तिवाचक, पहाड़ों के नाम। अगर दोस्तों मेरी बात सुनिए, केवल आता कि पहाड़ तो जातिवाचक, पर पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय, जैसे अरावली, जैसे आल्पस, पहाड़ और पहाड़ियों के नाम, ये सभी के सभी, इनके जो नाम हैं वो तो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, पर केवल आता कि पहाड़ तो फिर पहाड़ किस में आ जाते, पहाड़ केवल जातिवाचक में आते, पर पहाड़ों के जो नाम है दोस्तों वो व्यक्तिवाचक में आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है साहब, आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। आज शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में दो बार पूछा गया सवाल है, आज शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, ठीक है। और यहां पे जो प्रश्न को मार्क कर रखा है उसको देखना है, प्रश्न को मार्क कर रखा है तो मार्क क्या है, रावण, ठीक है। जब यहां पे रावण को मार्क कर रखा है तो देखते हैं इसका जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर बहुवचन में परिवर्तित कर दिया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक न रह करके जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर है, आजकल शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, आजकल शहर में क्या हो रहा है, रावण पैदा हो रहे हैं। दोस्तों यहां पे बहुवचन है, क्या है यहां पे, बहुवचन। जब यहां पर बहुवचन है तो इसका मतलब ये जो रावण है अब व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा, अब ये किसमें बदल जाएगा, अब ये जातिवाचक में बदल जाएगा मेरे दोस्तों, ये बदल जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि इसका एक नियम ये कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर बहुवचन में बदल दिया जाए तो वहां वो संज्ञा जाति व्यक्तिवाचक न रह करके जातिवाचक में बदल जाती है। तो ऐसा ही यहां पे हुआ, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, और नीचे वाचक संज्ञा होती नहीं है, और भाववाचक फीलिंग वाली बात इसमें कहीं है ही नहीं, इसलिए तीन विकल्प आपके कट गए और उत्तर आ गया जातिवाचक। बढ़ते हैं आगे की ओर। दुखी में कौन सी संज्ञा है, किसमें, दुखी में। तो दोस्तों दुखी में सीधी सी बात है, भाववाचक दुखी में कौन सी संज्ञा है, सॉरी इसमें प्रश्न लिखने में त्रुटि हुई है, यहाँ पे दुख होना चाहिए था, कौन सा होना चाहिए था, दुख में कौन सी संज्ञा है, और इसका उत्तर होना चाहिए था भाववाचक, है ना। क्योंकि जहाँ पे फीलिंग्स आती हैं, जब जहाँ पे बात फीलिंग्स की जाती है, या फिर जहाँ पे बात भाव की जाती है दोस्तों, और तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है, कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मैं बता दूँ संज्ञा के तीन पार्ट हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीन प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। और जातिवाचक के दो पार्ट है, पहला है वो है द्रव्यवाचक और दूसरा है वो है समूहवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक में सजीव आ जाएंगे और समूहवाचक में
द्रव्यवाचक में पदार्थ की तीनों अवस्था आ जाएंगी, निर्जीव आ जाएंगे, और समूहवाचक में सजीव आ जाएंगे जो ग्रुप का बोध करवाएंगे। ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे की ओर। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। शेर क्या है? हिंसक जानवर। तो इस शेर के अंतर्गत कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, शेर के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमारा मुद्दा यह है कि क्यों होगा ऐसा उत्तर, यही क्यों, शेर के अंतर्गत जातिवाचक ही क्यों, भाववाचक क्यों नहीं है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि भाई प्रश्नों को ला करके आपके सामने डालना, नहीं। हमारा मतलब और हमारा जो ध्येय है वो ये है कि इसमें ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे राज क्या है, और वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं जो आप बेहतर तरीके से समझेंगे। उम्मीद है मुझे समझ में आएगा। तो अब देखिए, मेरी बात सुनिए, शेर हिंसक जानवर हैं, रेखांकित, रेखाधन अंकित, जिस रेखा को मार कर रखा है, अंकित कर रखा है, जहां पर रेखा को अंकित कर रखा है, तो यहां पर रेखा को अंकित कर रखा है रेड मार्क में। ठीक है, तो ये शेर में कौन सी संज्ञा है? तो शेर पर्टिकुलर किसी का नाम तो है नहीं, शेर तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक तो होता नहीं कि एक ही शेर है, वो पहली बार तो ओबो मोरियो नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर मेरे दोस्तों जातिवाचक ही होगा, व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, भाववाचक इस शेर में कोई किसी प्रकार की भाव या फीलिंग्स तो है नहीं, और न ही पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक यहाँ पर नहीं है। पुरुषवाचक तो दोस्तों सर्वनाम हुआ करता है, पुरुषवाचक नाम की कोई संज्ञा नहीं होती। ठीक है, इसका उचित विकल्प हो जाएगा जातिवाचक, शेर में संज्ञा होती है। ठीक है सब, अब इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने हमने पेश किए हैं अगले वीडियोस में, और हिंदी के जो टॉपिक हैं, विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं वो आपके सामने हाजिर करेंगे। और हमारा प्रथम प्रयास था, ये प्रयास, डिजिटल प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारी कोशिश रहेगी आपको बहुत ही बेहतरीन पेश करें, आपके सामने वो चीज़ें, वो कंटेंट ला के पेश करें जिसकी आपको ज़रूरत होगी। फिलहाल मैं भरत कोरोना लेता हूँ विदा, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, शब्बा खैर।